आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। लातेहार सीआरपीएफ जवानों की तत्परता से भाकपा माओवादियों का बड़ा बम प्लान हुआ फेल। लातेहार एसपी प्रशांत आनंद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जिले के नक्सल प्रभावित गारू प्रखंड के जामदरिया बकुला बांध जंगल के नक्सल अभियान के दौरान सीआरपीएफ 214 ए कंपनी ने जमीन में लगाकर रखे बम बरामद किए हैं। कमांडेंट ऋषि राज के निर्देश पर डोमाखांड व बकुला बांध एवं इससे सटे जामदरिया के जंगल में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। उसी क्रम में माओवादियों के द्वारा नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में लगाकर रखे बम को सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया है। सीआरपीएफ के मुताबिक डिफ्यूज किया गया बम काफी शक्तिशाली था। बम को डिफ्यूज करने के दौरान आसपास का इलाका सहम उठा था। बता दें कि इनमें 5-5 किलो के 5 टिफिन बम, 3 किलो का 1 कुकर बम, 1 किलो के 2 कैन बम शामिल है। मौके से 10 किलो अमोनियम नाइट्रेट पाउडर भी जब्त किया गया है जो बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। राहुल कुमार के साथ बद्री गुप्ता की ब्यूरो रिपोर्ट।